सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं गुड़गांव में, और गुड़गांव में एक ट्रेनिंग सेशन रखी गई है। ट्रेनिंग सेशन में हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं और बातचीत से एक समाधान का हल निकालने का प्रयास करते हैं कि घरेलू कचरे का निपटान आसान तरीके से घर में कैसे हो, और दूसरी तरफ हम लोग घर में बागवानी के तरफ लोगों को रुझान बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में बहुत सारे अच्छे लोग गुड़गांव में पहुंचे हैं, आइए उनसे बारी बारी से जानते हैं कि उनको आज के सेशन में कैसा लगा है। हमारे साथ है राजरानी मैडम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छी, आपने हमें एजुकेशन दी है और प्लांट्स के बारे में, नेचर के बारे में इतना कुछ बताया है, खुद को इतना अच्छा लगता है कि नेचर में ज्यादा बैठना आजकल पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपके आने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। मैम क्या नाम है बताइए? मेरा नाम अनु शर्मा है, एंड प्रवीण सर को हमने यूट्यूब पे देखा था, एंड आज उनसे मिलने का और सीखने का मौका मिला है, एंड इस पूरी वर्कशॉप के बाद कॉन्फिडेंस आया है कि यस, अब मैं जाके अपने जो टेरेस ऐसे ही पड़ा रहता था, इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ स्पेस, आई एम गोइंग टू डू समथिंग विद इट। थैंक यू मैम, आने के लिए बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप आई हैं? मैं वसंतपुर से आई हूँ। बहुत बढ़िया जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी मैं गार्डनिंग तो कर रहा हूँ दो एक साल। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ है, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं दो एक साल से गार्डनिंग तो कर रहा हूँ, बट मेरे काफी सवाल थे, काफी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, सो आई हैव लर्नड अ लॉट हियर, मैं काफी सवालों का जवाब मुझे मिला। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जी सर बहुत अच्छा लगा आपसे सीख कर जो भी है, और बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है? सचिन अम्बा। बहुत बढ़िया, कहाँ से? गुड़गांव से। बहुत बढ़िया, आप मुझे लगता है पहले भी आप आए थे लेकिन एक दिन की वजह से मिस हो गया था, अगस्त वाला सेशन। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, चलिए अभी से स्टार्ट हो जाएगा। जी मेरा नाम रूपम लटपाल है, मैं सेक्टर 43 गुड़गांव से हूँ। तो मेरे दो छोटे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको घर की बनी हुई सब्जियाँ ही खिलाऊँ, फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड की नहीं। तो मैं अपने घर पे सारा सामान ले आया, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई उसको शुरू करने की। तो मेरी मौसी जी हैं जो मिश्रा जी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मेरे काफ़ी सॉल्यूशंस के आंसर दिए और रेकमेंड करा कि सर की क्लास अटेंड करें, और 3 घंटे के अटेंड के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं बिना नॉलेज के बिना ट्रेनिंग के करता तो मैं 100% फेल होता, और कुछ महीने बाद मैं होम गार्डनिंग का सपना छोड़ देता। मतलब ये जीवन भर चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, जीवन भर चलेगा, ये बात सही है। जीवन की जरूरत को समझने के लिए हम लोग एकजुट होते हैं और आपसी बातचीत से, आपसी तालमेल से समस्या के निराकरण तक भी प्रयास करते हैं। हालांकि साधन बहुत सीमित है लेकिन सपने बहुत ज्यादा हैं, तो उन सपनों को लेकर हम लोग अच्छे लोगों तक पहुंचते हैं, उनमें से एक हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश है, गुड़गांव में रहता हूँ, मैं कर रहा हूँ 2 साल से जी, और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बहुत बढ़िया, आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो कनेक्ट हो रहा है कहीं जहाँ पहले कर रहे हैं। मैं तो पहले भी कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने मैसेज में भी आपको लिखा था, जी रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से मैंने मिस किए हो बात। अच्छा। सचिन नहीं, कोई नहीं, वो तो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग में जो बताई गई वो कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज जो बता रहे हो सही चलेगा? बिल्कुल चलेगा, भरोसा लगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मैम मैं रचना, मैं एक्चुअली गार्डनिंग तो काफी टाइम से कर रही थी, आज बहुत सारी जगह जहाँ मेरे को कंफ्यूजन थी, डाउट थी, वो सब मुझे काफी क्लैरिटी मिली, नाउ आई नो कि मैं इजीली कैसे हैंडल कर सकती हूं। बहुत बढ़िया, तो या बिकॉज़ पॉट ग्रोइंग इज चैलेंजिंग जब कंटेनर करते हैं ग्रोइंग आवर में, बट या इट्स वेरी इजी टू, इट्स जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग। वेरी गुड, तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए, थैंक यू। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आने वाला जो 3 महीना है, फिर 6 महीना है, फिर 18 महीने है, तो इन तीनों पड़ाव पर आप सक्सेस हो और 18 महीने के बाद आप वहां पर आ पाए कि आप कुछ बता पाए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच जी। मैम आपके पास चलते हैं अब। जी मेरा नाम प्रवीण है, गुड़गांव से आई हूँ मैं, मैंने सर की क्लास यूट्यूब पर देखी थी, तो मेरे घर में सनलाइट वगैरह तो नहीं आती है ज़्यादा, बट मैं ट्राई करना चाहती थी कुछ वेजिटेबल्स और कुछ ऐसे हो, जैसे उन्होंने लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताया, तो वो मैं ट्राई करूँगी क्या। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपने जो कुछ पूछा था कि सर आप मेरे यहाँ विजिट कर लीजिए, तो वो ना विजिट करके भी कुछ चीजें सॉल्व हुई आपकी? अभी कुछ चीजें जो आपको लग रहा है कि उसमें, हाँ यही पता चला कि अब जी और वेजिटेबल्स तो ज्यादा नहीं हो सकती,
कोई नहीं, कहीं से शुरुआत कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप फ्यूचर में आपको ऊपर से गॉड भी देखते रहते हैं ना विजुलाइज से कि भाई आप कैसे कर रहे हैं। आपको तो बड़ा फॉर्म देने के प्रयास में लगे होंगे, हम लोग होंगे ठीक है। तो चलते हैं अभी सुष्मिता मैडम के पास। जी मेरा नाम सुष्मिता है, गुड़गांव में रहती हूँ। मैं सर से 1.5 साल पहले मिली थी और सब कुछ स्टार्ट किया था मैंने, बट पिछले 1 साल से मेरा छूट गया था फर्स्ट टू रीजन से। आज सारी चीज़ें दोबारा और अब उम्मीद है कि जैसे आपने कहा 3 महीना 6 महीना होपफुली 6 महीने में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत थैंक यू वेरी मच फिर से आने के लिए। थैंक यू, हम लोग को भी एक साहस मिल जाता है कि पुराने लोग भी जब आते हैं तो लगता है कि हाँ चलो हम लोग सही चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, टेक केयर। जी मेरा नाम सत्य प्रकाश है, मैं सुशांत लोग गुड़गांव से आया हूँ। मैं आयुर्वेद से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी भी डाबर इंडिया लिमिटेड में हूँ और वैसे किसान का बेटा हूँ। और अब मुझे रिटायरमेंट के बाद में खुद ही मैंने शुरू किया था घर पे गार्डनिंग। मेरे बहुत सारे शंकाएँ मन में पैदा होती थी, आज मुझे बहुत सोल्यूशन मिला है थैंक्स टू मिश्रा जी। और अब मैं अब उनके टच में रहूँगा। आयुर्वेद मेरे ब्लड में शामिल है, बढ़िया बढ़िया। और मुझे अच्छा लगता है कि यदि कोई आयुर्वेद की बात करता है, बहुत ही बढ़िया। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि यदि जैसे हम पैरासीटामोल भी यदि घर में यूज करते हैं वो कितना हानिकारक हो सकता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा कि उसमें जो एक मेन इंटरमीडिएट ड्रग यूज होती है उसी से हमारा हीरोइन बनता है। या सल्फामिथोक्साजोल है, उसमें हम छोटा सा एक केमिकल यूज करते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, जिसकी इतनी सी स्पीड इस पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए काफी है। यदि नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल हमारे शरीर में किसी भी तरीके से प्रवेश कर गए एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू, तो वो हमारे अंदर कितना रिएक्शन कर सकते हैं उसको हम नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए हमारी जो आयुर्वेद है उसका कोई जवाब नहीं है, और ये आयुर्वेद की ओर एक कदम है। बहुत बढ़िया। और सबसे गार्डनिंग की बढ़िया। और जो इसका दूसरा पहलू है कि हम एनवायरमेंट के साथ भी फ्रेंडली हो रहे हैं। हम इतनी जनसंख्या है हमारी और हमारा रहने के तरीके बदल गए हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारी भारत की इस पूरे वातावरण को कितना शुद्ध रखा था, हमने उसको कितना असंतुलित किया है। ये मैं आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ थैंक्स टू मिश्रा जी कि एक बहुत अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है कि भावनाएं काफी हम लोगों के पास, लेकिन हम लोग चूंकि चाहते हैं कि सभी को लेकर आगे बढ़े तो समस्या के निराकरण तक पहुँचने का प्रयास सीमित साधन में करते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। हमारे साथ है संजीव जी, और संजीव जी सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। जी हरे कृष्णा। मैं इसलिए हरे कृष्णा कहूँगा कि मैंने मिश्रा जी से सीखा तुलसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, और मेरे कंधे तक 4 फुट से भी ऊंची लंबी तुलसी है और पूरे अच्छे उसमें फैलाव में है, तो ये मिश्रा जी की देन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो सीखा आके, जैसे ऑनलाइन तो सीखा ही था, आज कुछ लगा कि कुछ नई चीजें मिली? सर कई चीजें जो है छूट जाती है प्रैक्टिस में भी, तो आज ध्यान आ रही है कि मैं नहीं करता हूँ। आप अलवर से आए हैं? जी सर। गुड़गांव? जी सुरेखा मैडम, आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? आपने बहुत ट्रेनिंग ले लिया इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते। जी हमारे साथ है, आप बताइए, नाम बताइए। हाय, मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं गुड़गांव से हूँ। अब आई बिग थैंक यू मिश्रा जी कि आज मैं यहाँ पे आई। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सोलराइजेशन आई नो कि ये प्लांट्स को मतलब धूप देना चाहिए, बट सोलराइजेशन मुझे नहीं पता था इसके बारे में बिल्कुल भी। और ये बहुत मतलब नया फैक्टर है, शायद लोगों को नहीं पता होगा बहुत, या फिर बहुत कम को बता दिया होगा, बट मेरे घर में गार्डनिंग करते हैं, माली भी आते हैं, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। आज मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। और भी चीजें अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सक्सेस सभी लोगों। तो आज का सेशन शशि मैम क्या रखा गया था, मैम को कैसा लगा? इनसे भी पूछते हैं जोड़ने के लिए। जी बता दीजिए। बहुत अच्छा सेशन, और इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत अप्रिशिएट करने की बात है। अलवर तक से दूर से लोग आए हैं सीखने के लिए,
मैं ये कहूंगी कि ये होता रहे, आगे चलता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग सीखते रहे, यही हमारी इच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। पूजा मैडम से भी सुन लेते हैं जी। पूजा मैडम कैसा लगा आज का? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जैसे सर अलवर से आए हैं और मतलब बेसिक बात है, जब बेसिक कुछ होता है ना तब बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने देखा है कि तुलसी को कैसे सेव किया जाता है, ऐसे छोटे पौधे को लेके जो डोरमेसी पीरियड में जा रहा है, इस पे ज्यादातर कोई बातचीत होती नहीं है। तो जब हम बेसिक चीजों को लेके साथ चलते हैं तो बहुत सारी चीजें कवर होती है। थैंक यू वेरी मच सर, आने के लिए मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक ट्रायल है, और यहाँ पर ट्रायल ये करते हैं कि एक दूसरे के ज्ञान का, एक दूसरे के भावनाओं का, एक दूसरे के विश्वास का भी एक ट्रायल का समय है। तो इसे अब कसौटी में कसेंगे और सक्सेस हो जाएंगे तो लगेगा कि ये हम लोग मजबूत कर लिया इस बॉन्ड को। और इसी बॉन्ड को मजबूत करने के लिए फिर अगले और नए पड़ाव में मिलेंगे। और ये वीडियो आज आप देख रहे हैं आकांक्षा सिंह के माध्यम से, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।